हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा दो का गुजराती विषय पढ़ाने जा रही हूँ, वो है गुजराती हमारा। तो हम देखेंगे बच्चों स्टेप 14 क्या है हमारा। बच्चों स्टेप 14 है, पगलू 14। तो देखो यहाँ पे क्या है, चित्र जुओ, शब्दों वाचो अने लखो। चित्र देख के हमको शब्द को लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, बड़े एक की मात्रा दी है, तो क्या होगा, वैज्ञानिक। तो इसको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइंटिस्ट। और यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक। तो हमको ये क्या करना है बच्चों, ये चित्र है इसको देख के हमको शब्द पढ़ने हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, वैज्ञानिक। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐरावत। ऐरावत क्या है, ऐरावत यानी हाथी भी बोलते हैं। और इंदिराज एलिफेंट, क्या है, इंदिराज एलिफेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, गुजराती में ऐरावत बोलते हैं, अपने हिंदी में इसको बोलते हैं हाथी। तो बच्चों अब यहाँ पे हमको ये शब्द देख के लिखने को दिए, तो यहाँ क्या है, वैज्ञानिक। तो लिखेंगे वैज्ञानिक। फिर से हम यहाँ लिखेंगे एक लिटी छोड़ के, वैज्ञानिक। यहाँ लिखेंगे लिटी छोड़ के, वैज्ञानिक। तो क्या पढ़ेंगे इसको, वैज्ञानिक 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 वैज्ञानिक। अब देखो क्या है ये, ऐरावत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐरावत। फिर ऐरावत लिट्टी छोड़ के लिखना है, लिट्टी छोड़ के ही लिखना है, लिट्टी के अंदर घुसाना मत, सब लिट्टी छोड़ के अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग से लिखेंगे ऐरावत। तो इस तरह से बच्चों हमको ये कंप्लीट करना है। अब आगे देखो, दो है वाचो अने लखो। तो क्या करना है हमको, पढ़ना है और लिखना है। तो इसको क्या बोलेंगे, अड़े। क्या बोलेंगे, अड़े 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 अड़े। फिर छे छे छे, तो छे 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 छे। फिर क्या है, गे, तो गे 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 गे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, गे 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 गे। तो बच्चों इस तरह से हमको यहाँ पे लिखना है, एक एक लिट्टी छोड़ के इस तरह से लिखना है। अब देखो वाचो ने लखो, तीसरा है वाचो ने लखो। तो ये क्या है, पैसा दार। क्या है, पैसा दार। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पैसा दार। पे के ऊपर बड़े मात्रा है एक ही, तो पे सौ के आगे आ की मात्रा है, द के आगे आ की मात्रा है, तो पैसा दार पैसा दार पैसा दार। फिर देखो तेल चित्र, तो क्या होगा, तेल चित्र तेल चित्र तेल चित्र। अब देखो क्या है, शैक्षणिक। क्या है, शैक्षणिक। तो हम यहाँ लिखेंगे शैक्षणिक। क्या है बच्चों, शैक्षणिक क्या आएगा, से श
शैक्षणिक, शैक्षणिक। अब क्या है वैवाहिक, तो क्या आएगा वैवाहिक, क्या होगा यहाँ पे वैवाहिक, वैवाहिक। तो बच्चों इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और ऐरावत, तो हमको यहाँ पे देख के लिखना है वैज्ञानिक 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 वैज्ञानिक। फिर क्या है यहाँ पे ऐरावत 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 ऐरावत। फिर देखो दो है वाचो अने लखो, तो ळे 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 यहाँ भी लिखेंगे ळे 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 ळे। अब यहाँ क्या है छे है, तो लिखें छे 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 छे। अब क्या है यहाँ पे गे, तो गे 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 गे। तो इस तरह से बच्चों ये करेंगे। अब आगे देखो वाचो अने लखो, तो यहाँ पे क्या है पैसा दार, तो यहाँ भी लिखेंगे पैसा दार पैसा दार पैसा दार। अब क्या है तेल चित्र, तो तेल चित्र तेल चित्र तेल चित्र। अब देखो शैक्षणिक, तो शैक्षणिक शैक्षणिक शैक्षणिक। फिर क्या है वैवाहिक, तो क्या होगा वैवाहिक 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 वैवाहिक। तो बच्चों आपको ये पेज नंबर 30 आपकी स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट करना है, आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में ये पेज नंबर 30 पूरा करना है, यानी कि स्टेप 14 जो है हमारा वो आपको पूरा करना है। तो बच्चों अब हम आगे देखेंगे, हम ये बारक्षरी पूरी यहाँ तक गे तक आज सीख चुके हैं, क्या तक गे तक हम आज सीख चुके हैं, तो हम इसको एक बार फिर से बोलेंगे। मैंने जो आगे आपको पढ़ा है वहाँ से हम इसको दो बार करके बोलेंगे, तो हमको क्या होगा याद हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है के के के, फिर क्या है खे खे खे, फिर गे गे गे, फिर घे घे घे, चे चे चे, छे छे छे, जे जे झे, फिर झे झे झे। अब देखो टे टे टे, ठे ठे ठे, फिर डे ढे डे, फिर ढे ढे ढे, और अणे अणे अणे, ते ते ते, थे थे थे, दे दे दे। फिर देखो धे धे धे, ने ने ने, पे पे पे, फे फे फे, फिर बे बे बे, भे भे भे, मे मे मे, ये ये, फिर रे रे रे, ले ले ले, वे वे वे, से से से, फिर से शे शे, शे शे शे, हे हे हे। फिर क्या है अड़े अड़े अड़े, छे छे छे, गे गे गे। तो बच्चों इस तरह से आपको ये बारक्षरी मैंने पढ़ाई है, वो बारक्षरी आपको पूर्ण तरह से नोटबुक में एक बार लिखनी है, क से यज्ञ तक आपको बारक्षरी नोटबुक में लिखनी है, और पेज नंबर 30 आपको यहाँ तक भरना है। एक बार बच्चों मैं फिर से आपको बोल दूँ के खे घे घे, चे छे जे जे, टे ठे ढे ढे णे, ते थे दे दे ने, पे फे बे बे में, ये रे ले वे शे, शे शे हे रे छे ये। तो बच्चों आज इस तरह से मैंने आपको बारक्षरी यहाँ तक स्टेप 14 तक आपकी बारक्षरी पूरी करवा दी है, तो ये तक हो गया है। अब बच्चों आगे आप क्या करोगे,
आगे ये स्वाध्यायपोथी आपको पूरी करनी है और आपको क से यज्ञ तक बारक्षरी गुजराती में आपको पूरी लिखनी है। क से यज्ञ तक एक बार आप अपनी नोटबुक में क से यज्ञ तक बारक्षरी लिखेंगे और आप ये स्टेप 14 भी किताब के अंदर करेंगे। इसके आगे का मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, पर आप स्वाध्यायपोथी कंप्लीट रखना। कभी भी आपको स्वाध्यायपोथी मंगाई जा सकती है और चेक की जा सकती है। तो आज आप पेज नंबर 30 तक कंप्लीट कर देंगे, स्टेप 14 तक कंप्लीट करेंगे। आगे मैं आगे आगे वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, और बारक्षरी एक बार नोट में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।